हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ विद पुनीता। और मैं पुनीता, कैसे हैं आप सब? मुझे पता है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो ब्लॉग है, मैंने इसमें आप सभी के साथ अपनी न्यू फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन में कर्टन्स वॉशिंग का वीडियो शेयर कर रही हूँ। आज मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं की है आप लोगों के साथ। ये जो भैया आपको दिख रहे हैं, ये वॉशिंग मशीन को सेट करने आए थे। मशीन तो हमने 2-3 दिन पहले ही ले ली थी, पर ये बहुत लेट आए। ये जब घर पर आए थे तो मैंने सबसे पहले इनके हाथों को सैनिटाइज़ किया, इनके कपड़ों को सैनिटाइज़ किया और शूज़ को गेट के बाहर ही निकलवा दिया। और पैर भी मैंने बाहर ही पानी दे दिया। इन्होंने अपने पैर को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया, फिर मैंने इन्हें घर के अंदर बुलाया। पर ये मास्क नहीं लगाए थे, क्योंकि ये बोल रहे थे कि मास्क मेरा आज कहीं गिर गया है। और ये गमछे से अपने फेस को कवर कर रहे थे, पर वो बार बार खुल जा रहा था, क्योंकि ये मशीन को सेट कर रहे थे। और हम सभी ने मास्क लगाया था, मैंने और बच्चों ने भी मास्क लगाया था। इनके जाने के बाद मैंने जहाँ जहाँ ये छुए हुए थे अपने हाथों से, उन्हें मैंने दोबारा सैनिटाइज़ किया, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड अभी अभी ठीक हुए हैं। मशीन को परचेज करने हस्बैंड गए हुए थे, मैं नहीं गई थी, इसलिए मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई और आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई। ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, और हस्बैंड गए थे पसंद करके, वो साथ ही लेके चले आए। ये भैया मशीन को सेट करने के बाद मुझे बता रहे थे कि मशीन को किस तरीके से यूज करना है। इसमें कपड़ा डाल दीजिएगा, जो भी हटे डाल दीजिएगा। ये आपका इसमें सरफ पड़ेगा, किसी में भी सरफ डाल सकती है, ठीक है। सरफ डाल के पावर ऑन करिए, कपड़ा पड़ गया तो पावर ऑन करिए, ठीक है। अभी हमको किस पे धोना है ये सेलेक्ट करना है, कॉटन पे किस पे धोना। जब इसको सेलेक्ट करेंगे टाइमिंग ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट करेगा। जो चीज़ पे ये सेलेक्ट करेंगे ना, टाइम अपने ऑटोमेटिक लेगा, ठीक है। जिस पे जो घुमाते जाएंगे 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 29 मिनट, 15 मिनट क्यूब पे है, इस पर 1 घंटा 44 मिनट है। ये रिंग से आपका खनाबने वाला है, स्पिन आ गया केवल सुखाने वाला है, ठीक है। किस पे धोना है उसको सेलेक्ट कीजिएगा, जिस पे आपको धोना है, ठीक है। सेलेक्ट हो गया, यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट बटन लिखा है ना। अभी मशीन चलेगा 1 घंटा 50 मिनट में सब करेगा, ये धोनेगा, खंगारेगा, सुखाएगा, ठीक है। अगर आपको सिर्फ सुखाना होगा, पावर कपड़ा डाल दीजिएगा, पावर ऑन हो गया, ठीक है। अब इसको घुमा के ले आइएगा स्क्रीन पे, स्पिन लिखा है ना, स्पिन पे लाके इसको स्टार्ट कर दीजिएगा। ये आपका सिर्फ सुखाएगा, धुलेगा नहीं। फ्रेंड्स, अभी तक तो मैंने सेमी ऑटोमेटिक ही वॉशिंग मशीन इस्तेमाल किया है, फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन इस्तेमाल नहीं किया है, पर इसे भी यूज़ करना बहुत ही आसान है। सेमी से कंपेयर करें तो सेमी से अच्छी क्वालिटी में कपड़े ये वॉश करता है। इसकी वॉशिंग काफ़ी अच्छी है, ये पानी खुद ही गर्म करके कपड़े को वॉश करता है, इसकी वजह से क्वालिटी बहुत अच्छी होती है कपड़े की। ये इसको 30 सेकंड तक दबाए रहेंगे, डिस्प्ले काम नहीं करेगा। जैसे छोटे छोटे बच्चे हों बार बार कर देते हैं, इसके लिए है। ये दोनों को बराबर दाबे रहेंगे 30 सेकंड तक, डिस्प्ले आपका लॉक हो गया, इसी तरह खुलेगा भी। 2-3 सेकंड तक दबाए रहिए, खुल जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि डिस्प्ले को किस तरीके से लॉक कर सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं, जिससे कि छोटे बच्चे इसे बार बार पुश ना करें। और अब मैं आप सभी को कर्टन्स को वॉश करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से कर्टन्स को वॉश करना चाहिए वॉशिंग मशीन में, उसकी रिंग्स को किस तरीके से पैक करना चाहिए। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, और मैं पुनीता। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि वॉशिंग मशीन, फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन में आप किस तरीके से अपने कर्टन्स को धुल सकते हैं। तो मैंने सोचा, बहुत लोग को ये नहीं पता है कि किस तरीके से हम कर्टन्स को धुलें, तो मैंने सोचा मैं आज आप सभी के साथ ये वीडियो शेयर करूँगी कर्टन्स को धुलते वक्त किस तरीके से हम उसको मशीन में डाल सकते हैं और क्या क्या सावधानियाँ हमें रखनी चाहिए अपने कर्टन्स को धुलते वक्त। आइए चलते हैं। हम जब इस कर्टन्स को वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि ये जो रिंग्स हैं, ये देखिए, ये जो रिंग्स हैं ये मशीन में ना फंसे, इसलिए इसे मैं आज आपको पैक करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम इसे पैक करके वॉशिंग मशीन में डाल सकते हैं और किस तरीके से ये हमारा ख़राब भी नहीं होगा। और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, पहले हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, जिस तरीके से आप पर्दे में लगाते हैं, इसे स्टैंड में लगाते हैं इसके रॉड के अंदर, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। और अब मैं
सॉक्स दूंगी। आप कोई भी सॉक्स, नया है पुराना, कोई भी सॉक्स आप ले सकते हैं। तो ये तो मेरा पुराना सॉक्स है, ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने फैला कर इसके अंदर पैक कर दिया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे अंदर पहना दे रही हूँ इस तरीके से। और मैं इसे यहाँ से किसी रस्सी की सहायता से या आप प्लास्टिक से इसे यहाँ पे बांध लीजिए। मैं इसे इस डोरी की हेल्प से बांध लूँगी। पकड़ो शुरू इसको, तो यहाँ पर वहाँ ऊपर यहाँ यहाँ पकड़िए पकड़ो। छवि और रुपेश सैतानियाँ कर रहे थे और मुझे बहुत हंसी आ रहा था। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से अब हम अपने कर्टन्स को देखिए, आराम से हम वॉशिंग मशीन में इसे वॉश कर सकते हैं। और ये जो हमारा रिंग है ये भी नहीं ख़राब होगा और पर्दे भी अच्छी तरीके से धुल जाएंगे। इसी तरीके से मैं सारे पर्दों के जो रिंग्स हैं उन्हें बांध लेती हूँ। मैंने सारे कर्टन्स के रिंग को पैक कर लिया है और अब मैं इसे वॉश करूँगी। फ्रेंड्स, जब मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों बात कर रहे थे कि हमें कौन सा मशीन लेना है, क्योंकि हम सेमी ऑटोमेटिक मशीन यूज़ कर चुके थे, तो हम सोच रहे थे कुछ चेंज करें। और प्लान था फुली ऑटोमेटिक मशीन लेने का, पर हस्बैंड गए और उन्हें ये मशीन अच्छी लगी और इसकी क्वालिटी भी फुली ऑटोमेटिक से काफ़ी अच्छी थी, तो उन्होंने फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन पसंद की। फ्रेंड्स, जब हम मिडिल क्लास के लोग कोई भी बड़ी ख़रीदारी करते हैं तो हम बहुत सोच समझ के करते हैं, क्योंकि बड़ी ख़रीदारी करते वक्त हम चाहते हैं कि ये लंबे समय तक हम इस्तेमाल कर सकें। ये देखिए फ्रेंड्स, कर्टन्स को मैंने अंदर डाल दिया है और ये कुछ इस तरीके से घूम रहा था। एक बार ये लेफ़्ट साइड से घूम रहा था और दूसरी बार ये राइट साइड से घूम रहा था। मशीन के राइट साइड में स्लाइडर दिया हुआ है, उस स्लाइडर में आप सर्फ डालिए या लिक्विड डालिए। मैंने तो लिक्विड ही इस्तेमाल किया है, जो सर्फ एक्सल का है। मैंने एक ढक्कन इस्तेमाल किया है इसे। और ये देखिए, आप इस साइड में या इसके बगल वाले साइड में डाल सकते हैं। बीच में हम कपड़े का जो फ्रेशनर आता है वो हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। फिर मैंने मशीन को ऑन कर दिया था और 1 घंटे 15 मिनट में वॉश हो गए थे कर्टन्स। ये देखिए फ्रेंड्स, अब 1 मिनट रह गया है। 1 मिनट में ये जो डोर है ये अपने आप से ही अनलॉक हो जाएगा। अब मैं सारे जो कर्टन्स हैं उन्हें बाहर निकाल लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें एंड लिख दिया है और ये अलार्म दे रहा है कि कपड़े पूरी तरीके से वॉश हो गए हैं। और अब इसका डोर जो है वो खुलेगा, अपने आप नहीं खुलेगा, हम खोलेंगे उन्हें। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे जितने भी कर्टन्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से वॉश हुए हैं। और रुपेश निकाल रहा है क्योंकि वो बोल रहा था कि मम्मी मैं निकालूंगा। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने गांठ लगाई थी सॉक्स पहना के, ये देखिए, अगर मैं ये गांठ नहीं लगाती तो ये सॉक्स जो हैं वो बाहर निकल जाते। ये देखिए फ्रेंड्स, सॉरी दिखा नहीं पाई उसने, ये देखिए गांठ लगाने की वजह से ये सॉक्स बाहर नहीं निकले, वरना ये ऐसे हो गए थे और ये बाहर मतलब निकल जाते। और गांठ लगाने की वजह से ये देखिए सेफ़ है, इसके रिंग्स भी बिल्कुल सेफ़ हैं। और अब मैं सारे कपड़ों को बाहर निकाल लेती हूँ। रुपेश सारे कर्टन्स को निकाल लिया था और फिर मैं छत पर चली गई थी सुखाने। और ये जो सूखे कपड़े हैं उन्हें मैं पहले उतार ली थी, फिर उसके बाद मैं कर्टन्स को फैला रही थी। और ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने रिंग्स को गांठ लगाई थी सॉक्स के अंदर, वो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, रिंग बिल्कुल सेफ़ है।
इसी तरह से मैंने सारे कर्टन्स के रिंग को रिमूव कर दिया था सॉक्स से। फिर मैंने सारे कर्टन्स को सूखने के लिए फैला दिया था। मशीन ने तो काफ़ी हद तक इसे सुखा दिया था, बस मुझे हल्की सी धूप लगानी थी इसमें। 15 मिनट में कर्टन सूख गए थे। फिर मैं नीचे ले आई छत से कर्टन्स को और उन्हें फोल्ड करने लगी। और मैं महाभारत देख रही थी। शाम के 4 बज रहे थे, 4:30 हो रहे थे, और मैं और रुपेश हम दोनों महाभारत देख रहे थे। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। प्लीज़ फ्रेंड आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फैमिली मेम्बर में, अपने जो फ्रेंड होंगे उनमें, और मेरे वीडियो को फुल वॉच किया करिए प्लीज़ फ्रेंड। अब मैं ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड।